आज हम घर पे बना रहे हैं केक प्रीमिक्स। तो ये हमने एक कप मैदा लिया है, हमें इसको फुल भर के लेना है। हमें इसको स्पून की सहायता से प्रेस करके दबाना नहीं है, जितना आसानी से इस एक कप में आ जाए उस तरह से हमको लेना है। ये घर पे आसानी से प्रीमिक्स बन जाएगा। ये हमने एक कप मैदा ले लिया है। यकीन मानिए दोस्तों, ये परफेक्ट रेसिपी है। अब हम इसमें आधा कप चीनी ऐड करेंगे, हमने पिसी हुई चीनी ऐड करी है। और अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी और चीनी ऐड करेंगे। ये हमने एक टेबल स्पून, दो टेबल स्पून और तीन टेबल स्पून, आधा कप प्लस तीन टेबल स्पून हमने इसमें चीनी ऐड करी है। और अब हम इसमें एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ये बहुत ही अच्छा सा प्रीमिक्स बन के आपका तैयार होगा घर पे। और हम इसमें थ्री टेबल स्पून हमें मिल्क पाउडर यूज करना है, पर आप हमेशा पैकिंग वाले मिल्क पाउडर का ही यूज करें। और अब हम इसमें एक टीएसपी हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। हमारे ये हाफ टीएसपी का, इसके लिए हम इसमें दो बार भर के डाल रहे हैं। और अब हम इसमें हाफ टीएसपी खाने का सोडा, बेकिंग सोडा डालेंगे। और अब हम इसके अंदर 1/4 टी स्पून नींबू का साइट्रिक एसिड इसमें डालेंगे और पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे। और इसमें 1/4 कप हम कोको पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सी के जार में डाल के इसको अच्छे से पीसना है। ये बहुत ही आसानी से घर पे बन जाता है। और अब इसको हमें तीन बार छानना है। तीन बार छान के हम रखेंगे, तब जब आपको इसको कभी बनाना है तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। ये 100% परफेक्ट रेसिपी है। इसको हमारे कहने पर एक बार आप जरूर से ट्राई करें, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और इसको आप एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। तो फिर जब आपको बनाना हो तब इसकी बनाने की विधि हम अगले वाले वीडियो में लेके आएंगे। तो आसानी से घर पे उसमें खाली एक चीज मिलाइए और घर पे आसानी से ये बन जाएगा, है ना। एकदम 1-2 मिनट के अंदर आपका ये प्रीमिक्स तैयार हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये ऊपर जो इसके बड़े दाने उसको हम रहने देंगे। और इसको हमें तीन बार छानना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तीन बार हम इसको छान के पैक करेंगे तो उसके बाद जब हमें बनाना होगा तब हमें आसानी होगी। और इस तरह से हमें एक पॉलीथीन के अंदर इसको पैक करके रखना है। टेप या स्टेपलर कुछ भी लगा के या जिपलॉक बैग लेके आप इसको कवर करके एक महीने तक बाहर स्टोर करके रख सकते हो। और इसका कैसे बनाना हो हम अगले वाले वीडियो में आपको बताएंगे। 100% परफेक्ट रेसिपी है। तो आपको इसके बाद बाजार से प्रीमिक्स लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।